ये कलेक्टेड परिसर है, यहाँ पे पानी फैल रहा है, देखिए आप ऊपर से रोज डेली फैलता है यहाँ पे पानी, जैसे ही बटन ऑन होता है इसका जो पानी फैलने का जो टंकी में पानी आने का चार्जेस है वो नाजरात शाखा से है। नाजरात में भी हम लोग गए, वहाँ पे हमने जाके बोला पर वो कुछ है ही नहीं, बोले कि कलेक्टर साहब से बात चल रही है कि पानी का सही लेवल हो जाएगा, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज रोज डेली पानी फैलता है, शहर में पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पानी जबरदस्त फैल रहा है। कौन सी जगह है? ये कलेक्टेड परिसर है, यहाँ पे पानी फैल रहा है, देखिए आप ऊपर से रोज डेली फैलता है यहाँ पे पानी, जैसे ही बटन ऑन होता है इसका जो पानी फैलने का जो टंकी में पानी आने का चार्जेस है वो नाजरात शाखा से है। नाजरात में भी हम लोग गए, वहाँ पे हमने जाके बोला पर वो कुछ है ही नहीं, बोले कि कलेक्टर साहब से बात चल रही है कि पानी का सही लेवल हो जाएगा, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज रोज डेली पानी फैलता है, शहर में पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पानी जबरदस्त फैल रहा है। आप सोचिए कि पानी की कितनी किल्लत आ रही है। तो ये रोजाना के हालात, रोज डेली के हालात हैं ये डेली के। मंदिर के उधर भी है सर, वो भी पानी जब ऑन होता है तो वो पानी फैलता रहता है। तो पर इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कमेटी गठित होनी चाहिए, और ये मंदिर देवस्थान का है वो डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब कलेक्टर परिसर के अंदर हैं, कलेक्टर साहिबा या एडीएम सिटी साहब जो भी आते हैं यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं, पर उनके सामने भी ऐसा ही फैलता रहता है, किसी को कुछ हो ही नहीं है। तो ये 24 घंटे चलता है? 24 घंटे नहीं, जब ये बटन ऑन होता है वैसे ही पानी फैलना चालू हो जाता है।